बाबा बुल्ले शाह साहब अपने मुर्शिद के एक दिन घर गए और जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? बुल्ले शाह साहब ने उस दिन वो सवाल किया जो कई पीएचडीज आज तक नहीं कर पाए। कहते, यही तो पूछने आया हूं। आपको पता है कि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदल, जो कि फारसी जुबान के सबसे बड़े शायर समझे जाते हैं, कहते थे, साइंस कैन कैच द फिश बट इट मिसेस द वॉटर। साइंस मछली तो पकड़ लेती है, पानी को छोड़ देती है। और यही पैगाम मैं आज आपके पास लेके आऊं पानी का। साइंस कहती है मछली को सबसे आखिर में जिस चीज का पता चलता है वो होता है पानी, और हम जब तक मरते नहीं है हमें जिस शय का पता नहीं चलता उसे हम कहते हैं जिंदगी। यही हमारी जिंदगी का छोटा सा डिलेमा था। यही मैं जानना चाहता था कि ये कायनात जिसको गौर से देखूं, इस चेयर को, इसको फिजिक्स पढ़ती है और इसको ऑब्जर्वर को बायोलॉजी पढ़ती है और इस आइडिया को साइकोलॉजी इंटरप्रेट करती है। और स्कूलों में स्पेशलाइजेशन के नाम पे हमें कहा जाता है कि यूनिवर्स को एक की होल से देखो। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी आयत, सबसे बड़ी निशानी ये कायनात है, और कहा जाता है इसको इसको की होल से देखो, स्पेशलाइजेशन से, साइलो से बांट बांट कर, कि ये कभी पूरी समझ ना आ जाए। आपने कभी नोट किया जब आप सब घर से निकलते हैं तो यूनिवर्स आपको आपके कोर्सेज के मुताबिक सवाल नहीं पूछती? आपने कभी नोट किया कि अब फूल हमसे बात नहीं करते जिस तरह वो फैज से करते थे, कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आप हैरान होते हैं कि ये कौन से लोग थे जो एक फूल को देखकर उसे अपनी महबूबा या माँ से जोड़ लेते थे कि माँ जी घर आ जाएं। आई हैव सीन स्प्रिंग्स बट देर इज नो स्प्रिंग विदाउट यू। हम कई स्प्रिंग्स देखते हैं और हम कुछ भी नहीं देख पाते, और यही हमारी जिंदगी का डिलेमा है कि हम सब कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। अब किसी स्टूडेंट से पूछें कि रेनबो क्या है, वो सब जवाब देगा मां सवा इसके कि रेनबो क्या है, फूल क्या है, उसकी पेटल्स होती हैं, रूट होती है, फोटोसिंथेसिस होता है। डन डन डन, बेटा फूल क्या है, सब जानता है और कुछ नहीं जानता। यही मेरी जिंदगी का सवाल था। और हमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां बैठ के यूनिवर्स पे बात की जाए, मगर अब वो यूनिवर्सिटी सुकरात की बंद करा दी गई है। और अब हम न्यूटन के फॉलोअर्स, जो कहते हैं कि कौसे कजा रेनबो कैसे बनती है, कि बारिश हो रही होती है, लाइट गुजरती है, रेनबो बनती है। हम बच्चों को ये नहीं पढ़ाते कि एक कीट्स भी था जिसने न्यूटन को खत लिखा था, ओ माय डियर न्यूटन, व्हाट हैव यू डन टू माय रेनबो। मैं बच्चों को सुलाऊंगा कैसे, मैंने आसमान देखने पे मजबूर कैसे करूंगा, अब वो आखिर में जो गोल्ड बकेट है वो मैं कहां से लेकर आऊंगा, मैंने ख्वाब कैसे दिखाऊंगा, मैंने इमेजिनेशन कैसे कराऊंगा। और अगर हम न्यूटन की मानते रहते तो आज क्वांटम फिजिक्स होती ना, हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर्स कैट जैसे फिनोमेना से हासिल दूर रह जाते अगर कीट्स ना होता, शेक्सपियर ना होता, वर्ड्सवर्थ ना होता। और यही मेरी जिंदगी का सफर था, मैं जानना चाहता था। और इसी तरह एक दिन मेरे आगे से एक सियालकोट में रहने वाले पंजाबी स्पीकिंग आदमी को, और मैं उसके घर गया हुआ हूं, और वहां अभी भी दही पल्ले बिकरे होते हैं, और कहते हैं बाजी नू 8 नंबर जूती विखा, हां जी तुसी जलेबी कितनी लेनी। और वहां खड़ा होकर एक आदमी कहता है, सोचिए हमारे सियालकोट के लिए इतना ही काफी है, वी आर प्राउड ऑफ आर एयर सियाल, मगर अब इकबाल को इकबाल लाहौरी कहते हैं, इकबाल सियालकोटी नहीं कहते। दिस इज द लॉस एंड दिस इज व्हाट आई एम हियर टू सेल। वी आर लूजिंग हिम एवरी डे एंड स्टिल देयर इज अ टाइम टू पुट अ बैरियर एंड एम्ब्रेस आवर लास्ट हीरो, जो हमारी बका के लिए काफी है। जब भी ऊपर कोई स्पेस शटल भेजी जाती है उसमें क्वांटम फिजिक्स और न्यूटन की किताबें नहीं रखी जाती, बीथवू रखा जाता है, पिकासो रखा जाता है। कोई एलियन आके पूछे कि हम तुम्हें तबाह क्यों ना करें, तो हम कहेंगे इसलिए कि हम वर्ड्स वर्थ हैं, हम में हमारे अंदर मियां मोहम्मद बख्श साहब पैदा होते हैं, साडे वल बुला भी आता है, साडे वल रविंद्रनाथ टैगोर भी पैदा होता है। एलियंस डोंट किल अस, वी आर डूइंग द ग्रेटेस्ट ऑफ द मैजिक विद दिस यूनिवर्स, we are amazing, even the creator who has created us, because we even have one man known as Iqbal, jo ek tha, mere aankhon se ek sher guzra, jo ek tha, eh nigah tune hazar karke hame dikhaya. Allama Iqbal kehte hain, bachcho imagine humse kaun sa Iqbal chupaya hua hai, hame pahad aur gulheri wala Iqbal beche ya khud hi ko kar buland itna wala. Kehte hain puri kainat ka fundamental building block ek hai, ek fundamental building block hai, नजर अलहदा अलहदा आती है, हम सबके दिल गुर्दे न्यूरॉन्स एक जैसे हैं, वो उठकर कहती हैं मैं हलीमा हूं, वही न्यूरॉन्स मेरे पास हैं, आइडेंटिकल, मर जाते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं दैट आई एम खुरम।
एंड आई एम नॉट रेडी टू गिव अप बिकॉज आई एम खुरम। चले मैं आपको सैर कराता हूं जल्दी से, वो आदमी मुझे क्या कहता है और वो मुझे सारी कायनात कैसे, एंडलेस कायनात अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती हैं। बड़ा कैपिटलिस्टिक सा वर्ड है। अक्सर तो हमें यूनिवर्स को हक करना चाहिए। बेदल ने सुकरात को हैरान किया था। सुकरात कहते थे वंडर इज द बर्थ ऑफ साइंस। बेदल ने कहा वंडर इज द बर्थ ऑफ वंडर विदाउट इट्स इंटेलेक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस। हैरत को हैरत में खत्म होना चाहिए, अकली दलाइल नहीं पैदा करने चाहिए। बच्चों कभी थोड़े से रह गए हो मगर गौर से सुनो, कभी बोर होए बगैर ये शेर सुना कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। हम तो बोर हो जाते हैं। मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा रहा था कि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है महबूब को जहन में बैठाना और कैपिटलिज्म कंज्यूमरिज्म पैसे से दूर रहना, और कहे तुम फारिग बैठे हो। अच्छा, मैंने जहन में महबूब बिठाया हुआ है और दुनिया की चाहत से दूर हूं, तुम ये करके दिखाओ। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना कि। एनीवे कमिंग बैक टू आर इकबाल द मैन हु ब्रिंग्स अस द वर्ल्ड ऑफ मल्टीवर्सेस। वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहां, मैं बहुत आम शेर लाया हूं हमारे बच्चों के लिए, सितारों से आगे जहां और भी हैं अबीश के इम्तिहान और भी हैं, कनात ना कर इस आलम रंगोबू पर, इसमें मत बिक जाए। सोचिए लफ्ज कनात आखिरी दफा उकाड़ा में कब बोला गया होगा। कनात मत कर लेना इस अर्थ पर, चमन और भी हैं आशिया और भी हैं, खो गया एक निशेमन तो क्या गम, मुकामाते आहो फगा और भी हैं। इस दुनिया में कुछ ना मिला तो आंसू मत बहाना, अभी एक और दुनिया तुम्हें मिलनी है, वहां पे एक और लॉस होना है, उधर के आंसू इधर मत बहा के जॉन एलिया पे चले जाना। अभी तुम्हें मार्स की जिंदगी भी मिलनी है, कुछ आंसू उसको छोड़ने के लिए भी रखो। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। क्या परवाज है हमारी, हमारे तो पर नहीं है। मैं आज किसी को कह रहा था कि हमारी परवाज यह है कि मेरी नवाए शोक से शोर हरीमे जात में, अलामा कहते हैं गुलगुला हाय लमा बुतकदाए सिफात में, हूर और फरिश्ते हैं असीर मेरे तखय्युलात में और मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। ये तूने क्या गजब किया, मुझको ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना ए कायनात में। अल्लाह मैं सबसे बड़ी मखलूक था तो सबसे बड़े पत्ते को तो आखिर में फेंकते हैं, पहले ही मुझे खोल दिया कायनात के आगे। एंड दैट इज द इकबाल वी वॉन्ट टू लिव विद। एनीवे कमिंग अहेड, इकबाल मौत के बारे में क्या कहते हैं, टॉकिंग अबाउट द एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। परेशान हूं कि मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है यारा फिर वो मुश्किल ना बन जाए, कि जब मुझे दफनाओ तो मैं मट्टी का दिल मट्टी में मिल के चालाकी करके फिर दिल ना बन जाए। और जो मुश्किल अब है, ये दिल की ही तो मुश्किलें काट रहे हैं, वो दिल दोबारा दिल ना बन के मुझे कब्र में भी तंग ना करने लग पड़े। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल ना बन जाए। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल ना बन जाए। इकबाल कहते हैं सबसे बड़ा दरिया अल्लाह ने मुझे बनाया, मेरा कोई किनारा नहीं, बचना नार्सिज्म से, बाहर देखने को है, ये ना हो कि मैं खुद को देखूं और मैं ही अपना किनारा बन जाऊं, मैं अच्छा हूं मैं बुरी है। और आखिर में फिर इकबाल कहते हैं गए वो दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं, अब मुझे डर नहीं लगता फतवों से, अब ना जाने कितने उकाड़ा में मेरा पैगाम लेके यहां पे थरथली और कायनात को हिला के रख देंगे। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। यूनिवर्स पे देखे इकबाल को कितनी अबूर है। इकबाल कहते हैं ये कायनात है अभी ना तमाम शायद, क्या रही है सदाए दमादम कुन फयाकून। इकबाल कहते हैं कायनात इनकम्प्लीट है, मुझे कुन की आवाज सारा दिन आती रहती है। इट इज एन इनकम्प्लीट कंप्लीट यूनिवर्स, इट इज ए कंप्लीटली इनकम्प्लीट यूनिवर्स। क्या कह रहे इकबाल, और कुन की आवाज कौन है, हम कलम की तरह अल्लाह ने बना के भेजा है हमें। हम किसी ने अपनी मां के सफेद बाल देखे हैं, अब्बा की झूठती कमर देखी, और एक पेंसिल को घड़ना दोनों बराबर होते हैं, पेंसिल भी वाइट होती जाती है, अब्बा की कमर भी झुकती जाती है। अब्बा जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, कहानी एक मिसरा एक शेर कायनात को देते जाते हैं, और हम अपना सफर करते जाते हैं कि इस कायनात का सफर चलता रहे और हम अपने किसी और सफर पे निकल जाएं। आप हैं वो कुन की आवाज, इकबाल कहते हैं ये कायनात है भी ना तमाम शायद, क्या रही है सदाए कुन फया कुन इलाज, आतिश रूमी के सोज में है तेरा।
तेरी खिरत पे है गालिब, फरंगियों का फसूं। इतनी खूबसूरत बातें यहां हुई। आप जानते हैं कि इकबाल वाहिद आदमी है जो इंसानों को कहते हैं कि अकल से भी आगे जाओ, गुजर जा अकल से आगे, के ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। बच्चों अकल टॉर्च है, जलाओ बताती है ये चेयर है, ये वॉच है, ये मंजिल नहीं जानती, इससे भी आगे निकल जाओ और अपने अंदर एक मंजिल ढूंढो। जो मौलाना रूम कहते हैं, अकल गोयद शश जहत हदस्त और बैरून राह नीस्त। अकल कहती है कायनात में बस छह ही रास्ते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। इश गोयद राहस तो रफ्ता उम्मन बारहा, इश कहते हैं अकल रस्ते तो और भी बहुत है, एक पर तो मैं अक्सर आता जाता रहता हूं, अक्सर आता जाता रहता हूं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सफर जिसमें मैं आपकी मुलाकात इकबाल से कराना चाहता था, ताकि आप अपने अंदर डूबें और इस कायनात के अंदर डूबें, इसके एंडलेस होराइजंस और अपने एंडलेस होराइजंस को खोलते चले जाएं। कितना बुरा होगा कि हम इस लाइफ को जिए बगैर चले जाएं। इकबाल का आखिर में एक शेर जिससे बड़ा इकबाल का उर्दू में मिसरा नहीं है, मताए बेबहा है दर्द सोजो आरजू मंदी, मेरा सबसे बड़ी देन है दुख गम। इकबाल कहते हैं तू बचा बचा के ना रख, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कायनात में वाहिद चीज जो टूटी हुई हो कीमत बढ़ जाती है इंसान का दिल, इसे जुड़ा हुआ अल्लाह के पास ना ले जाना, ये जितने टुकड़े होते हैं उतनी कीमत बढ़ती है। तो इकबाल के शेर पे वापस आते हैं जिसमें इकबाल इंसान को कायनात की सबसे बड़ी ताकत डिक्लेयर करता है, मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी, मुकामे बंदगी देकर ना लूं शाने खुदावंदी, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी सुने वहां जीने की पाबंदी। दिस वॉज मोर और लेस ऑफ माई वर्ड्स, दिस वॉज मोर और लेस ऑफ माई वर्ड्स। मैंने अपनी कोई तारीफ नहीं की क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि उसका जिक्र करो तो आपको टेड जैसी बातों पे बुला लेते हैं, इकबाल का जिक्र करो तो हम जैसे सगों की भी इज्जत शुरू हो जाती है। वड्यां दे लड़ लग जा तेनू प्यार करनगे सारे, ते कुत्ते दे गल पट्टा होवे ते वट्टा कोई ना मारे, अपने गले में अगर पट्टा डालना है तो किसी ऐसे का डाले कोई कोई पत्थर मार तो ये घबराए, कि ये इकबाल के घर से पढ़कर आया हिला के रख देगा। और अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता, इकबाल की बात अच्छी नहीं लगती, तो आखिर में इकबाल के शेर पे अख्तिताम, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, और तन की दौलत छाँव है, आता है धन जाता है धन। आखिर में खुसरो की इस बात पर इख्तिताम, आज रंग है नीमा रंग है नी, अपनी जिंदगी में अपना रंग ऐसा रखा करें कि निगाह आप पर पड़े और दिखे कोई और, निगाह आप पर पड़े और नजर आए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। दिस वॉज माई वन लिटिल हम्बल टेड टॉक, थैंक यू फॉर लेंडिंग योर हार्ट्स टू मी, क्योंकि कान तो हर कोई किसी को दे देता है, दिल देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि दिल दही का ख्याल क्या जाना, नाम है जिसका दिलबरी वाला, बैठ दुकाने चश्म पे कई दिन के अश्क हुआ मेरा तरी वाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जिंदा रहिएगा, उम्मीद बांटते रहिए। बहुत शुक्रिया।